एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सेस ऑफ अ न्यूबॉर्न या फिर रिफ्लेक्सेस ऑफ अ न्यूनेट। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, चाहे वो नर्सिंग एग्जाम्स हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, रिफ्लेक्सेस ऑफ अ नॉर्मल न्यूनेट, तो फर्स्ट चीज आती है कि रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्स का मीनिंग होता है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो रिफ्लेक्सेस का मीनिंग होता है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इनवॉलंटरी मीन्स ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स हमारे ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज है वो देते हैं स्टिमुलस को, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। तो स्टिमुलस क्या होता है, देखो स्टिमुलस इज अ थिंग और एन इवेंट दैट इवोक एन ऑर्गन टू क्रिएट फंक्शनल रिएक्शन। मीनिंग क्या होता है, थिंग और एन इवेंट, एक ऐसी थिंग या फिर एक इवेंट जो इवोक करता है एक ऑर्गन को। इवोक मीन्स कॉल करना, मीन्स एक ऑर्गन को कॉल करना टू क्रिएट फंक्शनल रिएक्शन, कि वो फंक्शनल रिएक्शन जो है वो क्रिएट करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिफ्लेक्सेस ऑफ अ न्यूबॉर्न। तो देखो, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं न्यूनेट के, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोटेक्टिव और एक प्रिमिटिव। तो देखो, सबसे पहले प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं। प्रोटेक्टिव एंड प्रिमिटिव, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस की कैटेगरी में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस आते हैं, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स एंड गैगिंग रिफ्लेक्स। एंड प्रिमिटिव कैटेगरी में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस आते हैं, फर्स्ट इज मोरो रिफ्लेक्स, सेकेंड इज रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। ओके, तो इन सभी रिफ्लेक्सेस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आता है हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा, हम क्या स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे, टचिंग द चीक नियर द कॉर्नर ऑफ द माउथ। बेबी के माउथ के कॉर्नर पे हम फिंगर की हेल्प से टच करेंगे तो उससे हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, हेड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टिमुलेशन टू फाइंड फूड। तो बेबी का जो हेड है वो उसी साइड टर्न हो जाएगा जहां हम उसे टच कर रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा न्यूनेट्स को आप टच करते हो तो उनका हेड जो है वो उसी साइड टर्न हो जाता है जहां आप फिंगर से उसे टच करते हो। तो ये होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। और ये डिसअपियर कब हो जाएगा, 3 to 4 months ऑफ एज पे। जब बेबी 3 to 4 months का होगा तो ये रिफ्लेक्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। सेकेंड आता है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, आप फिंगर की हेल्प से बेबी के लिप्स को टच करेंगे तो उससे हमें क्या रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, देखो सकलिंग मूवमेंट टू टेक इन फूड। तो जैसे ही फिंगर की हेल्प से हम लिप्स को टच करेंगे तो बेबी क्या है, सक करने लग जाएगा, फिंगर को सक करेगा ना, तो इसे बोलते हैं सकलिंग रिफ्लेक्स। और ये डिसअपियर हो जाएगा जब 6 months की स्टार्टिंग होगी, मीन्स डिसअपियर होने लग जाएगा, कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होगा, तो 6 months ऑफ एज से डिसअपियरेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है स्वेलोइंग। स्वेलोइंग मीन्स स्वेलो करना, मीन्स निगलना। तो उससे हम स्टिमुलेशन क्या देंगे, अकम्पनीज द सकिंग रिफ्लेक्स। देखो बेबी अगर सक करेगा, सक के साथ साथ वो स्वेलो भी करेगा। एंड रिस्पॉन्स में क्या आएगा, फूड रीचिंग द पोस्टीरियर ऑफ द माउथ इज स्वेलोड। जो फूड है उसे बेबी स्वेलो करेगा,
ये सकिंग रिफ्लेक्स के साथ ही जुड़ा हुआ है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, पहले भी सक करेगा एंड आफ्टर दैट स्वेलो करेगा, और ये कभी भी स्वेलोइंग जो रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर नहीं होगा, जो स्वेलोइंग रिफ्लेक्स होता है वो कभी भी डिसअपियर नहीं होगा। नेक्स्ट है गैगिंग रिफ्लेक्स, पता है गैगिंग रिफ्लेक्स, तो इसमें हम क्या स्टिमुलस देंगे, व्हेन मोर फूड इज टेकन इनटू द माउथ, तो जो बेबी जो है न्यूनेट जो है वो ओवर ईटिंग कर लेगा, तो उससे क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका वो रिगर्जिटेट हो जाएगा, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, रिगर्जिटेशन। तो देखो बेबी का क्या रिस्पॉन्स होगा, इमीडिएट रिटर्न ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिटर्न हो जाएगा, मीन्स रिगर्जिटेट कर देगा बेबी। नेक्स्ट है एज, इसकी डिसअपियरेंस की एज गैगिंग रिफ्लेक्स की, तो ये कभी भी डिसअपियर नहीं होगा। रिफ्लेक्स आता है स्नीजिंग एंड कफिंग, तो देखो फॉरेन सब्सटेंस, इसमें क्या होगा, फॉरेन सब्सटेंस एंटरिंग द अपर एंड लोअर एयरवेज, तो अपर एंड लोअर जो एयरवेज होते हैं उसमें फॉरेन सब्सटेंस एंटर कर जाएगा, और जिसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, क्लियरिंग ऑफ अपर एयरवेज बाय द स्नीजिंग एंड लोअर एयरवेज बाय कफिंग, तो जो अपर एयरवेज है वो क्लीन कैसे हो जाएंगे, स्नीजिंग के थ्रू, और लोअर एयरवेज कैसे क्लियर हो जाएंगे, कफिंग के थ्रू। और ये जो एज है इसकी डिसअपियरेंस की, ये कभी भी डिसअपियर नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा, डिसअपियर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा कि जो न्यूनेट की आईज हैं, जैसे ही वो ब्राइट लाइट में एक्सपोज होंगी तो क्या हो जाएगा, वो अपनी आईज आईलिड्स को क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा, तो रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन बाय रैपिड आईलिड क्लोजर, अपनी आईलिड को क्लोज कर लेगा। और ये जो इसकी जो एज है डिसअपियरेंस की वो है डज नॉट डिसअपियर, कभी भी डिसअपियर नहीं होगा। नेक्स्ट है डोल्स आई, टर्न द न्यूनेट हेड स्लोली टू लेफ्ट और राइट साइड, हम क्या करेंगे, बेबी के हेड को, न्यूनेट के हेड को लेफ्ट या फिर राइट साइड में टर्न कर देंगे, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, नॉर्मली आईज डज नॉट मूव, जो न्यूनेट की आईज है वो मूव नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है और आप उसे राइट साइड में टर्न कर रहे हैं, तो आईज जो है वो लेफ्ट साइड में ही रहेंगी, मूव नहीं होंगी। और ये कब डिसअपियर हो जाएगा, व्हेन फिक्सेशन डेवलप्स, मींस जब वो एक्सटर्नल एटमोस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करने लग जाएगा, जैसे जैसे वैसे ही ये रिस्पॉन्स जो है वो डिसअपियर होने लग जाएगा। नेक्स्ट है पाल्मर ग्रास, पाम मतलब हथेली, पता है आपको पाम मतलब हथेली, पाल्मर ग्रास का क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन न्यूनेट आर्म, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को न्यूनेट के हैंड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वो ग्रास्प कर लेगा, ग्रास्प मतलब पकड़ लेना, उसे पकड़ लेगा, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट बाय क्लोजिंग फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को क्लोज कर लेगा और उस ऑब्जेक्ट को ग्रास्प कर लेगा। और ये जो इसकी एज ऑफ डिसअपीयरेंस है वो है 6 weeks to 3 months, तो 6 weeks से लेके 3 months में डिसअपियर हो जाता है नॉर्मली। तो नेक्स्ट रिफ्लेक्स है स्टेपिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स, तो इसमें स्टिमुलेशन क्या होगी, होल्ड न्यूनेट इन वर्टिकल पोजिशन, तो जब हम बेबी को स्टैंडिंग पोजिशन में होल्ड करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, फ्लैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ लेग्स इन स्टेपिंग, तो लेग्स क्या हो जाएंगे, फ्लैक्स और एक्सटेंशन होने लग जाएगी और बेबी स्टेप लेने लगेगा न्यूनेट, तो स्टेपिंग। और एज ऑफ डिसअपीयरेंस है 3 to 4 weeks, 3 to 4 weeks में डिसअपियर होने लग जाएगा। नेक्स्ट आता है मोरोवर स्टार्टल रिफ्लेक्स, तो इसमें देखो क्या होगा, फर्स्ट जो स्टिमुलस है वो है स्टार्टल द न्यूनेट विद द लाउड वॉइस, तो जब न्यूनेट को एक तेज आवाज लाउड वॉइस सुनाई देगी तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, एक्सट्रीमिटीज फ्लैक्स एंड अडक्ट, तो जो एक्सट्रीमिटीज है उनकी फ्लैक्शन होने लग जाएगी और अडक्शन, अडक्शन हाथों को जो है वो क्लोज कर लेगा और उसकी एक फिस्ट बना लेगा। नेक्स्ट उसे स्टिमुलस है लॉस ऑफ सपोर्ट ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, तो जब हम बेबी को सुपाइन पोजिशन में होल्ड करेंगे एंड उसे जो है 45 डिग्री के एंगल पे जब ले जाएंगे तो क्या होगा, अबडक्शन और एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स थंब एंड इंडेक्स फिंगर फॉर्म सी शेप, तो अबडक्शन मीन्स जो बेबी के हैंड्स है वो अपनी बॉडी से दूर कर लेगा, मीन्स अबडक्ट कर लेगा, और क्या होगी, एक्सटेंशन हो जाएगी एक्सट्रीमिटीज की, और जो बेबी के फिंगर्स है वो इस तरीके से कर लेगा, मीन्स कुछ इस तरीके से सी शेप बना देगा, देखो थंब एंड इंडेक्स फिंगर फॉर्म सी शेप। जो डिसअपीयरेंस है वो है 3 to 4 months। ओके, तो आज हमने बहुत से रिफ्लेक्सेस पढ़े, रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, गैगिंग रिफ्लेक्स, मोरो एंड स्टार्टल रिफ्लेक्स, स्टेपिंग रिफ्लेक्स एंड किंग रिफ्लेक्स, डोल्स आई रिफ्लेक्स एक्सेट्रा, हमने पढ़ा रिफ्लेक्स ऑफ अ न्यूनेट,
और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.